नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरीषा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जे जैन न्यूज़। तो जैसे कि आज 1 मार्च महाशिवरात्रि का दिन है और बहुत से लोग इसे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। काफ़ी दूर दूर से हल्द्वानी के मंदिरों में भी, शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु आ रहे हैं और अपना प्रसाद चढ़ा रहे हैं। काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है, लोगों की लाइन लगी हुई है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर प्रसाद बट रहा है महाशिवरात्रि के पर्व का। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, प्रसाद बट रहा है, आने जाने वाले प्रसाद खा रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या आस्था रखते हैं लोग इस पर्व को लेकर। भैया आपका नाम? मुकेश भट्ट है। तो आज जैसे महाशिवरात्रि है तो कितनी आस्था रखते हैं आप इसमें? काफ़ी आस्था है। हाँ। बहुत ज़्यादा। क्यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि? शिवरात्रि को ये कहा जाता है कि उस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। चलिए, और यहाँ पर हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। क्या नाम है भैया? मेरा प्रदीप सागर नाम हुआ, मैं शिव कृष्ण मंदिर का महामंत्री। अच्छा, तो जैसे आज यहाँ प्रसाद बढ़ रहा है, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे सारे त्यौहार, तो कैसा लग रहा है आज आपको? आज बहुत हर्षोल्लास के साथ बनाया जा रहा है ये त्यौहार, क्योंकि कोविड थोड़ा कम हो गया है। हाँ। तो इसलिए बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत टाइम बाद ऐसे त्यौहार मिले हैं देखने के लिए। जी। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि कोविड ख़त्म ही हो जाए तो बढ़िया है, ताकि हम अपने जितने भी त्यौहार हैं हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाएँ। तो आज जैसे कि महाशिवरात्रि है तो क्यों मनाया जाता है? ये लोगों की अपनी एक श्रद्धा है भोलेनाथ के ऊपर, जो उनकी मनोकामनाओं को पूरा करता है, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। कि आज के दिन जो भी मुरादें होती हैं लोग मांगते हैं तो उनकी पूरी होती हैं? जी जी, बिल्कुल पूरी होती हैं। भोलेनाथ सबके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्यों मनाते हैं आज महाशिवरात्रि? आज शिव जी की शादी हुई थी। अच्छा, किससे शादी? पार्वती माता से। पार्वती माता से। और आप क्या करने आए हो आज? आज हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, भगवान जी को फूल चढ़ाने आए हैं। फूल चढ़ाने आए हो? चढ़ा दिया आपने फूल? हाँ। चढ़ा दिया? तो कुछ मन्नत मांगी आपने भगवान जी से? हाँ। क्या मन्नत मांगी? मैंने बोला मेरी मम्मी और पापा और मेरी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। तो कौन सी क्लास? ये मैम थर्ड में डीएवी में पढ़ती है। अच्छा अच्छा, तो क्या मान्यता है? शिव जी तो अपने आप में ही सबसे परम शक्ति हैं, पूरे ब्रह्मांड को शक्ति पीठ माना जाता है उन्हें। और जो है शिव जी का आज जो है पार्वती जी से उनका गठबंधन हुआ था और उनका आज विवाह है, और उसके उपलक्ष्य में हम सभी अपनी अपनी कहते हैं मनोकामना हेतु और भगवान की पूजा हेतु जल अभिषेक करने के लिए हम जो है अपने जहाँ जहाँ हमारे आसपास मंदिर हैं सब जगह हम वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं। अभी हम शीतला मंदिर से आ रहे हैं, अभी ये कालू से दिया हल्द्वानी का फेमस मंदिर है, हम इधर पे आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दीपेश पांडे। कब से आ रहे हैं इस मंदिर? हमें हो गया है काफ़ी टाइम, हो गया 1 साल हो गया। तो महाशिवरात्रि के बारे में कुछ बताइए कि क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य? शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी इसलिए मनाया जाता है। उनके गण थे जो मतलब लेके बारात वरात लेके आए थे, उसके लिए मतलब खुशी में मनाते हैं, इतना पता है। और मतलब हमारी आस्था है इसमें बहुत। आस्था है तो कहते हैं यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो आपने कितना ऑब्जर्व किया, कितनी मनोकामनाएं? जो भी महादेव से मांगते हैं सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जैसे कि आज महाशिवरात्रि है, जो ये जमावड़ा है आज मौजूद है इस मंदिर में, क्या हमेशा से ही इतना जमावड़ा? हमेशा रहता है। बहुत सारे लोग शिव जी में आस्था रखते हैं कि जो भी वो मनोकामनाएं करते हैं वो पूरी होती है, तो आप हर रोज आते हैं या सिर्फ महाशिवरात्रि? मेरी एक्चुअली शॉप है, मैं मत्था तो जरूर टेकता हूं, बट वैसे आता रहता रोज यहां टेक के आता हूं। तो जैसे कि आज हमने आपको दिखाया कि महाशिवरात्रि लोग कैसे कैसे मना रहे हैं और वो कितनी आस्था रखते हैं इस पर्व में, और बहुत सारे लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे और यहाँ हल्द्वानी में आके उन्होंने अपना प्रसाद चढ़ाया। काफ़ी प्राचीन मंदिर भी हैं हल्द्वानी में, यहाँ पर हमने पुजारियों से बात की रही। ऐसी ही JJN न्यूज़ आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स लाता रहेगा, आप बने रहें JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।